आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज, बहादुरपुरा एक्स रोड, रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 3 अप्रैल की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। हमेशा की तरह इस बार भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मुसलमानों को दी रमज़ान की मुबारकबाद। जस्टिन ट्रूडो ने ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम जारी कर वीडियो का आगाज सलाम से किया, कहा यह इबादत का वक्त, गौर व फिक्र और जब्त नफ्स का वक्त और इस्लाम की बुनियादी इख्तदार जैसे अमन, हमदर्दी और सखावत को मनाने का वक्त। यूक्रेनी फौजियों ने कीव रीजन के तमाम इलाकों पर दोबारा मुकम्मल कंट्रोल कर लिया हासिल। यूक्रेन की नायब वजीर दिफा हन्ना मिलायर ने फौज की इस अहम कामयाबी की दी इतला, कहा कीव के तमाम रीजन और हमलावरों से करा लिया गया आज़ाद। रूस यूक्रेन जंग में 5वें सहाफ़ी की मौत, कई दिनों से लापता यूक्रेन के फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म बनाने वाले मैक्स लियोन, यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब मुर्दा पाए गए। लियोन रियूटर्स, बीबीसी और एपी समेत कई इंटरनेशनल मीडिया के साथ कर चुके थे काम। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम। इमरान खान ने कहा उन्हें इख्तदार से हटाने का इकदाम अमेरिका की हिमायत से किया जा रहा, उनकी हुकूमत की तब्दीली की जा रही है कोशिश। वहीं अमेरिका हुकाम इमरान खान के इन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके। बीजेपी के बाद अब महाराष्ट्र नौ निर्माण सेना ने भी मसाजिद के लाउड स्पीकर की आवाज़ पर जाहिर किया एतराज़। राज ठाकरे ने एक रैली के दौरान मसाजिद के लाउड स्पीकर को रोकने का क्या मुतालबा, कहा लाउड स्पीकर बंद ना किए तो मसाजिद के सामने तेज़ आवाज़ में बजाएंगे हनुमान चालीसा। भारत में रमज़ान के मुकद्दस महीने का आगाज़, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को रमज़ान के दी मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के लिए खुसूसी गंगा जमुना तहजीब को मजीद वसीयत और रमज़ान का त्यौहार लोगों की जिंदगियों को खुशियों से भरने की जाहिर की ख्वाहिश। 2 साल से कोरोना की वजह रमज़ानुल मुबारक और तरावी की मांड पड़ी रौनकें दोबारा बहाल। माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आने के ऐलान के साथ ही शहर हैदराबाद की मसाजिद में नमाज तरावी की रौनकें, शहर की तमाम मसाजिद में पूरी अकीदत व एहतराम के साथ नमाज तरावी का आगाज़। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक होटल में चल रही थी रेव पार्टी, पुलिस ने मारा छापा, अहाते से मुख्तलिफ किस्म के मंशियात बरामद। पॉश रेडिशन होटल के पब में रेव पार्टी रेड में पुलिस ने पब मालिक समेत 150 अफराद को लिया हिरासत में, पकड़े जाने वालों में फिल्म इंडस्ट्री के शख्सियात भी शामिल। तेलंगाना के देवरकोंडा में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया, खेत में फल्ली साफ करने की मशीन के पंखे में फंस गई ओढ़नी, ओढ़नी निकालने की कोशिश के दौरान एक 7 साल लड़के का सर मशीन के पंखे से टकरा गया, जिसके साथ ही लड़के का सर हो गया तन से जुदा। फिल्म एक्ट्रेस व मॉडल मलाइका अरोड़ा सड़क हादसे में हो गई जख्मी, 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, तीनों गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हफ्ते की दोपहर मलाइका की कार पुणे में एक फैशन इवेंट से वापस आ रही थी, अदाकारा को माथे पर मामूली चोटें आई, मुंबई के एक हॉस्पिटल में कराया गया शरीक। ये थी बीबीएन टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।